Yes, Peter, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Please sit down. Don't stand. Don't stand. I love you all. You are all good children. It's nice to see everyone once again. Okay, jab hum good morning karte, no need to stand. I can see your smiley faces. I can see everybody is ready to study, ready to see what we are going to do. Okay. मॉड्यूल आपके पास आज नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आप तब तक अपना नोटबुक खोलो, कीप रेडी योर पेन ऑल्सो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस इज न्यू फॉर यू. ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है. एंड आई मस्ट टेल यू कि अगर आपने सेवंथ में अच्छे से कर लिया ये चैप्टर, देन यू विल बी यूजिंग इट इन योर नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो. 8th, 9th, 10th, सब जगह ये चीजें यूज होंगी जो अभी कर रहे हो. ठीक है, सेवन बी से एनी वन कैन स्टैंड एंड टेल मी कि क्या क्या आपको माइंड में आ रहा है, कि क्या क्या पढ़ लिया आपने क्लास में, कुछ कुछ जो याद आ रहा है आपको. थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में, इट्स ओके, नॉर्मल. हाँ जी, दैट गर्ल वॉज रेजिंग हर हैंड. बता दो बेटी खड़े होके क्या क्या किया आप. Types of triangle on the basis of sides and angles, exterior angle property, angle sum property. So nice. अच्छा, very very important. Okay. ये तो आपने जो बताया वो use किया है questions में, है ना? Have you written in the form of notes also? कहीं लिखे हैं आपने कि proper उसकी कैसे होती है वो? कहीं पे आपने proper key points लिखे हुए हैं उसके chapter के? तो मैं अभी आपको पहले शुरुआत में की पॉइंट्स लिखवाती हूँ. की पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर एंड यूज इट इन द होल चैप्टर. ठीक है, एंड जब भी आप क्वेश्चन परफॉर्म करते हो, ठीक है, इमीडिएटली आपने वो कंसेप्ट देखने हैं कि हमारा कौन सा कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन में लगने वाला है. ठीक है, अब ओरली दैट गर्ल टोल्ड मी, उसने मेरे को जल्दी से ओरली बता दिया, लेकिन दिस थिंग इज नॉट रिमेम्बर्ड बाय ऑल. सबको नहीं याद होता. कहीं को लगता है कि हाँ किए तो थे क्वेश्चन, एंगल फाइंड आउट करने वाले किए थे, साइड फाइंड आउट करने वाले किए थे, है ना? तो किसी में डायग्राम बनाया था, किसी में नहीं बनाया था. थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आता है बिकॉज यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स टू स्टडी. ठीक है बेटा, सो यू हैव टू राइट फ्यू पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर जिनको देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड वो सॉल्व करते करते यू रिमेम्बर, देन यू नीड नॉट सी, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, ऑटोमेटिकली जो चीज आप बाहर जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फिक्स हो जाता है, आपको हमेशा के लिए याद रहता है. ओके, सेकंड थिंग इज जब आपका एग्जाम होता है, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड कि आपने वो 10 पॉइंट्स पढ़े ट्रायंगल के. ओके, मैम इज गिविंग यू दिस मॉड्यूल, प्लीज. ठीक है, ले लो और साथ साथ में ये पॉइंट यहाँ पे लिख रही है वो भी लिखो. फर्स्ट वी आर राइटिंग की पॉइंट्स. ऊपर हेडिंग डालो, चैप्टर का नेम लिखो, देन वी आर राइटिंग हियर की पॉइंट्स. दीज की पॉइंट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू स्टडी अबाउट मीडियन, राइट? अभी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी. वो तो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे. ठीक है, अभी हम वो मेंशन नहीं करेंगे. वी विल बी राइटिंग कि ट्राइंगल के अंदर क्या क्या पढ़ते हो आप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ट्राइंगल का नेम सबने सुना हुआ है, यू नो हाउ टू ड्रॉ, यू नो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अबाउट ट्राइंगल की, इसके अलावा और क्या क्या हो, राइट? नाउ दिस इज मीडियन लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब है कॉर्नर.
इट्स ओके, नाउ लुक स्ट्रेट. जब तक आपको मॉड्यूल मिल रहा है, मॉड्यूल कीप नोटिंग इट ऑल्सो द बुक, बोर्ड से कॉपी डाउन भी करते रहो साथ साथ. ठीक है, लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, ठीक है, टू द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूं, दिस इज इन शॉर्ट फॉर्म. लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड. अब अपोजिट साइड का मतलब क्या है, इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करो. कोई भी हमने ट्राइंगल लिया, अभी ट्राइंगल की वो कैसी शेप है, कैसी उसकी साइड्स हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना, बस वो एक ट्राइंगल है. ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसमें हमने तीन साइड बनाई, नो नीड टू मेजर. तो ये जो लाइन है मीडियन, लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट, मैंने किससे यूनिफॉर्म में डाली थी ना, मैं आई था राइटिंग की पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म. ओके, दिस इज मीडियन. क्या लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कॉर्नर से अपोजिट साइड के पास जाती है और उसको बाइसेक्ट करती है. अब ये लाइन आपकी यहां भी हो सकती है एम, तो इसमें आप ये साइन बनाओगे. ये साइन हमें ये बता रहा है कि द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी बाइसेक्ट्स द साइड, बाइसेक्ट. और इट कैन बी ऑफ दिस साइड ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है ट्राइंगल कि वो यहां से लेके यहां पे फॉल करती है. ये हो गया आपका ए बी, नो नीड टू चेंज द नेम. आप उसको ऐसे याद रखो कि वो ए से भी फॉल कर सकता है आपका, और बी सी. इसमें आपके पास ये साइड इक्वल हो जाएंगे, राइट. और एक और ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका वर्टेक्स जो है वो यहां से इधर फॉल कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है. ए ठीक है, आपको सिर्फ सेंटेंस नहीं याद रखना कि हाँ ये सेंटेंस लिखा था, आपकी डायग्राम शुड स्पीक आउट, आपकी डायग्राम सिंबल्स. वहां से दिखाएंगे, अच्छा बड़ा दिख रहा है, 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 दिख ओके, नाउ इन दिस ट्राइंगल्स ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट वाला ये भी हो सकता है, और ये सेकंड वाला भी हो सकता है, और ये थर्ड वाला भी हो सकता है. प्लीज रिमेम्बर, अब आप कभी नहीं भूलोगे कि वेर इज मीडियन एंड व्हाट इज मीडियन. मीडियन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, एज वेल एज मीडियन क्या करता है उसके बारे में पता होना चाहिए. प्लीज ड्रॉ दीज लाइन्स ऑल्सो, छोटी छोटी बी एम और एम सी लाइन भी आपने ड्रॉ करनी है. ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है, हु विल टेल मी. ये जो छोटी छोटी मैंने लाइन्स ड्रॉ की है बी एम के ऊपर और एम सी के ऊपर, परपेंडिकुलर नो परपेंडिकुलर का साइन बेटा वो एरो, परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है. प्लीज रिमेम्बर ये सिग्नेचर, ये इसका साइन है परपेंडिकुलर का. बाइसेक मीन्स इक्वल पार्ट्स है, बी एम इज इक्वल टू एम सी. ओके प्लीज रिमेम्बर, ये साइन अभी पहचान करनी शुरू कर लो, बिकॉज आपके अभी आपकी ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर होते हैं ना बेटा, उसमें सिंबल्स ज्यादा यूज होते हैं और आपको वो सिंबल्स रीड करने आने चाहिए. ओके, यू कैन राइट हियर ए एम इज मीडियन, क्योंकि नीचे लिखो ए एम इज मीडियन एंड बी एम इज इक्वल टू एम सी. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट हो गई. अब सेकंड के नीचे आप क्या लिखोगे,
सी एम इज मीडियन, आपको दिख रहा है कि मीडियन जो है यहाँ पे सी से अपोजिट साइड पे फॉल कर रहा है, ओके एंड इसमें आपके पास ए एम इज इक्वल टू बी एम है, ठीक है। एंड आई नो काफी बच्चों को पता है कि मीडियन क्या होता है, बट वेन यू ड्रॉ योर ओन डायग्राम अपनी अपनी नॉलेज के लिए, देन यू नेवर फॉरगेट इट, ओके। हमेशा के लिए याद रखना है आपको, इसलिए इसको लिखो। इसमें आपके पास बी एम मीडियन है, बी एम इज मीडियन, ओके एंड आपके पास ए एम इज इक्वल टू सी एम। आई होप एवरीबडी कैन सी इट एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो, ओके। वन वर्ड मीडियन शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, और वो मीडियन कहीं से कहीं भी फॉल हो सकता है, किसी भी कॉर्नर से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे फॉल हो सकता है, और वो फॉल होने के बाद क्या करेगा, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मीडियन। वेर एवर यू रीड अबाउट मीडियन तो उसका आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, राइट। सेकेंड थिंग यू हैव रेड अबाउट ऑल्टीट्यूड, ठीक है, फर्स्ट नोट इट डाउन, आई एम गोइंग टू क्लियर इट सो दैट यू कैन ड्रॉ दोज फिगर्स ऑल्सो। दीज आर ऑल की पॉइंट्स, आपको एक लिस्ट के फॉर्म में आपके पास रेडी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक पॉइंट कहीं और लिखा और फिर 2 पेज के बाद दूसरा पॉइंट लिखा, फिर 3 पेज के बाद तीसरा पॉइंट लिखा, नो, इट शुड बी अ लिस्ट विद यू। जब तक ये चैप्टर चल रहा है आपका एक एक पेज खाली रखना है इसको आगे, ताकि हम और इसमें एड ऑन करते जाएं। अगर हम आज 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो पांचवा छठवां सातवां आगे वाले पॉइंट जो है वो इसके साथ ही लिखेंगे, तो लीव वन पेज फॉर दैट। जब तक ये चैप्टर चलेगा आप एक पेज छोड़ के रखना साथ, ठीक है। आपके अपने पर्सनल नोट्स बन रहे हैं टू रिवाइज इन एग्जाम, तब आपको बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आई एम गोइंग टू क्लियर इट बेटा, आई होप एवरीबडी इज रिटन। नाउ राइट अबाउट ऑल्टीट्यूड, सेकेंड पॉइंट इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में देखने में बिल्कुल ऐसा ही होता है, ओके, लेकिन वो काम उसका कुछ और होता है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज दैट, राइट। अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स, अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स, अब मैं वर्टेक्स के साथ कॉर्नर नहीं लिखूंगी, आपको पता चल गया कि वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, पिछले पॉइंट में हमने वर्टेक्स के साथ कॉर्नर लिखा था टू टेल यू व्हाट इट मींस, ठीक है। अब आपको मैथमेटिकल वर्ड सीखने हैं, कॉर्नर तो आप बहुत बार यूज करते हो, वर्टेक्स जो है पर्टिकुलरली आपके मैथमेटिक्स में यूज होता है ये वर्ड, राइट। लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब क्या है, अपोजिट साइड का मतलब बिल्कुल जो आपको उसके सामने वाला, कॉर्नर के सामने वाली साइड, जैसे ये है लाइक दिस, ओके। अब इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी अंदर रिप्रेजेंटेशन की, दिस इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, और अभी वी आर नॉट ड्रॉइंग दोज लाइंस, ये छोटी वाली लाइंस मैं बीच में ड्रॉ नहीं कर रही हूं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर जो होता है वो हो सकता है उसको बाइसेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ओके। पर वैसे जनरली किसी भी ट्रायंगल में वो उसकी पहचान ये है कि वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर पक्का होता है उसकी प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है तो उसका परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ फ्रॉम द अदर वर्टेक्स ताकि आपको पता रहे कि वो कहीं से भी फॉल कर सकता है, ठीक है। तो इसको
You know, it can be like this also, like this, 90 degree. इट इज नॉट इन द मिडल, सेंटर में नहीं है वो। ध्यान से देखो इसको, ए बी सी एम, क्योंकि उसका नाम है परपेंडिकुलर, तो सेंटर पे नहीं भी जाएगा तो इट्स ओके। हमें तो सिर्फ 90 डिग्री एंगल दिखाना है, ओके एंड अंडरस्टूड है, दोनों तरफ बनेगा, ये तो आपको पता ही है। हम एक साइड पे मेंशन कर रहे हैं बट वो बनेगा तो दोनों साइड पे ऑफ कोर्स। पता है आपको लाइन के ऊपर 180 डिग्री होता है, तो एक तो वही होगा, है ना बेटा? तो इट इज लाइक दिस। तो वर्टेक्स तो आपको पता चल गया कि किसी भी वर्टेक्स से हो सकता है। नाउ एक आपके पास राइट ट्रायंगल भी होता है, राइट ट्रायंगल आपने नाम सुना होगा सबने, राइट? अब इसमें मैं परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करूं? ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे को दिखा रहा है कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एबीसी। टेल मी वे शुड आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल? Perpendicular is already drawn. ओके, हु सेड? रेज योर हैंड, विच सेक्शन? ओके, बी सेक्शन, ओके। चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हु से कि यस परपेंडिकुलर्स आर ऑलरेडी देयर, हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। रेज योर हैंड, वेरी गुड। डी सेक्शन, डी सेक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। या जिनको ये समझ आ गई कि परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है और यहाँ पे दो परपेंडिकुलर है, एक नहीं है, ओके, हैंड्स डाउन बेटा, वेरी गुड। इसमें कौन कौन से परपेंडिकुलर है? ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका मतलब कि आपके पास ए सी, कर लो इसको, लेट मी क्लियर इट, एंड बी सी परपेंडिकुलर ए सी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए सी भी परपेंडिकुलर है और बी सी भी परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर हैं इसके ऊपर, ओके। आप यहां से देखोगे तो ए सी परपेंडिकुलर है, यहां से देखोगे तो बी सी परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप ध्यान से देखो, इसमें हमने कोई वो छोटी वाली लाइन मेंशन नहीं की है जो मीडियन में की थी, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि कौन किसके इक्वल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्वल नहीं है या है, वी डोंट नो। वी आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर, वी नो कि वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, दैट्स इट, ओके। नाउ एक और ट्रायंगल होता है बेटा आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आपने पढ़ा होगा, नाम सुना हुआ है आपने, सिक्स में भी किया था। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो आई एम राइटिंग इट एज 120। सपोज कर लो 120 है, पहले समझ लिया करो, कॉपी डाउन करती हो ना फिर आपका माइंड उधर चला जाता है कि अभी लिख लें इसको हम जल्दी से, जब तक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ लिसन इट एंड देन कॉपी डाउन, ओके? आई विल वेट फॉर यू, डोंट वरी, ओके बेटा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल के बाहर फॉल करेगा, ये वाला। मैं इसको डॉटेड से इसलिए बना रही हूँ बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज आउटसाइड द ट्रायंगल, प्लीज रिमेम्बर, ठीक है? इसको अगर डॉटेड में इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि वो एक्सटेंड की हुई है हमने लाइन, स्पेशली वो एक्सटेंड की है बिकॉज ऑल्टीट्यूड से वो मैच कर रहा है। और हम इसको बोलते हैं, पता क्या है, हम बोलेंगे कि ए एम इज परपेंडिकुलर बी सी, बेस हमने बी सी लेना है, प्लीज रिमेम्बर, जब आप क्वेश्चंस भी करोगे इसको याद रखना कि बेस हम बी सी ही ले रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो थोड़े से एक्सटेंशन के बाद फॉल कर रहा है इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो इट इज कंसिडर्ड एज बी सी। ओके, हाँ।
It is fine. There are more properties जो आपने की हुई है ऑलरेडी. सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. आई होप लिख लिया सबने. ठीक है, आपके की पॉइंट्स बन गए ये. और इसके बाद अभी थर्ड पॉइंट लिखना है बेटा आपने. थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट यू नो. छोटा सा एक ट्राइंगल बना लो एबीसी दैट यू नो बहुत बार यूज किया आपने. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी. यू नो वाई वी आर राइटिंग दिस सेंटेंस. ऑल्दो आपको समझ आ गई है फिर भी ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको रीजन बताना है. ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन हमारा बिना रीजन के कोई स्टेप नहीं रहेगा. सो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको आने चाहिए. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी. आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सबको पता ही है इन विच टू साइड्स आर इक्वल. एवरीबडी नोज पर ये क्वेश्चन में यूज होना है दैट्स व्हाई प्लीज राइट इट. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्वेश्चंस में जब आता है तो हम कई बार स्किप हो जाता है माइंड से कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक, पढ़ा तो है आइसोसेलेस, नाम तो सुना हुआ है, लेकिन उसमें होता क्या है कि देयर इज अ ट्रायंगल इन विच टू साइड आर इक्वल. वी हैव ए बी सी राइट इन विच टू साइड आर इक्वल. फिर से हमने वो छोटी वाली लाइन बनाई है विच इज टेलिंग यू दीज टू आर इक्वल एंड दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. वन इज इक्वल टू टू. शॉर्ट फॉर्म में यू शुड नो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. यू नो जो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं उनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इसका सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल. मैंने एरो इसलिए ड्रॉ किया आपको बताने के लिए कि जो साइड इक्वल हैं उन्हीं के सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे. प्लीज रिमेंबर ड्रॉ द एरोज ऑल्सो टू रिमेंबर कि जो साइड इक्वल थी उन्हीं के ही एंगल. ठीक है बेटा, इक्विलेटरल दिस इज रिवीजन ओनली. आपने ऑलरेडी किया हुआ है ये बट आपके नोट्स बन रहे हैं तो इसलिए इसको भी लिख लो लिस्ट में. इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आपको सबको पता है. इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एवरीबडी नोज. ए बी सी सारी आपस में इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं. ऑल एंगल्स आर इक्वल. वन टू थ्री. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. पता है क्या बेटा, आपने जो लास्ट ईयर जितना भी ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है ना वो सब कुछ अभी यूज होने वाला है. ट्राइंगल के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं पता. क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में कुछ पूछते हैं किसी क्वेश्चन में कुछ पूछते हैं तो आपको रिकॉल करना है कि सिक्स में क्या पढ़ा था हमने. तो इसलिए सब कुछ अपने सामने लिख लो राइट. एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. यू नो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं. डू यू नो, रेज योर हैंड. पता होगा ये आपको. यस यस यू नो इट. ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री. यू नो व्हाई, बिकॉज 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट्स व्हाई. कभी चेंज नहीं होता ये. बाकी ट्राइंगल्स में फिर भी चेंज होते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बट इसमें आपका इट विल रिमेन सेम.
It's fine. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आज पॉइंट्स लिख रहे हो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप क्वेश्चन में यूज करोगे ना, यू विल कम टू नो. यू आर यूजिंग एवरी पॉइंट इन वन क्वेश्चन और द अदर. आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है. इन आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मीडियन. मीडियन और परपेंडिकुलर सेम ही होते हैं. उसके शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखवाया है कि दे आर इक्वल. इक्वल का मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई ट्रायंगल बनाया. लेट मी ड्रॉ इट हियर, कैन यू सी इट? आई विल ड्रॉ ऑन दिस साइड. यहाँ पे देखना बेटे, आई एम टेकिंग दिस ऑन दिस साइड. इसमें क्या है, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सपोज आपने ये बनाया. आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैं पहचान भी है हमारे पास कि टू साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो इसमें जो भी हम मीडियन बनाएंगे, सपोज मैंने यहाँ पे मीडियन बनाया, राइट? अब ये मीडियन है और परपेंडिकुलर भी है बोथ, क्योंकि वो आइसोसेलेस है. ओके, मैंने बोथ बोथ साइन आया है मीडियन. मीडियन का साइन भी बनाया है, दोनों इक्वालिटी का, और 90 डिग्री भी शो की है. जो एम है वो मीडियन भी है और परपेंडिकुलर. ठीक है, ड्रॉ दिस फिगर सो दैट आपको पता चले कि एम इज इक्वल टू मीडियन ए एम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है. ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? प्रॉम्प्ट आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड. रेज योर हैंड हुआ वो अग्री कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होता है. वेरी गुड वेरी गुड, हैंड्स डाउन. इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रही हूँ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मीडियन, वो आइसोसेलेस में भी होती है और इक्विलेटर में भी होती है. ओके बेटा, दोनों में ही होगी. ऑफ कोर्स एक बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है एक्सटीरियर एंगल की. एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है आपने? हैव यू रेड दिस प्रॉपर्टी? अरे यस तो फिर हम 7 को लिख लेते हैं आपके नोट्स की फॉर्म में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे लिखो एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल की बहुत एक खास बात ये है कि आपको भी पहचान होनी चाहिए कि वो बनता कब है. ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल की शेप क्या होती है सेंटेंस में? चलो मैं आप चलो लिख लो इसको पहले. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टाइम आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. इंटीरियर अपोजिट एंगल. और अब ये जो सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है, बस इट विल बी अंडरस्टूड बाय योर डायग्राम. ओके, हाउ? सपोज वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस. इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन देन एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. यू नो इट,
ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑलवेज। प्लीज रिमेम्बर एक्सटीरियर एंगल जो है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब है कि आपने इसके ये वाला जो एंगल है उसको हमने छोड़ दिया, उसके साथ वाला इंटीरियर जो है उसको छोड़ दिया, बाकी दो का एडिशन कर दिया। अपोजिट का मतलब उसके सामने वाले, इंटीरियर मतलब अंदर, अपोजिट मीन्स उसके सामने वाले, उसके साथ वाला नहीं। ओके अब डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिफरेंट डिफरेंट, देखो आपकी 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स कहीं भी एक्सटेंड हो सकती हैं, हो सकता है वो इस साइड पे एक्सटेंड हो रही हो। आपकी जनरली क्वेश्चन एक्स वाई के फॉर्म में आते हैं तो वो भी आपको पढ़ना आना चाहिए कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, बाहर वाला जो एंगल है वो इन दोनों के इक्वल है। अब आपने अल्जेब्रा पढ़ा हुआ है, 6th में पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, तो अल्जेब्रा में हमारे अल्फाबेट्स यूज होते हैं ना, स्मॉल लेटर्स में हम यूज करते हैं, तो एंगल्स को भी उसी फॉर्म में यूज करेंगे ज्यादा, इस चैप्टर में ज्यादा आपके वही यूज होंगे। फाइंड एक्स फाइंड वाई, ओके, एंड प्लीज रिमेम्बर, अब आपको पता चल गया कि एक्सटेंड कैसे होती है साइड, ठीक है, एक और ड्रॉ करनी है अपनी नॉलेज के लिए तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट आपको पहचान हो जाए कि कौन कौन सी साइड कहाँ कहाँ एक्सटेंड हो सकती है, राइट right? तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है। दीज आर ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, आपको पता है। बट जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, क्वेश्चंस में थोड़ी सी कभी कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स बना देते हैं, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दीज आर नॉट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल सिर्फ वही होगा जो साइड को इंक्रीज करने के बाद बना है। ध्यान से देखो फिगर को, इन एवरी ट्राइंगल वी हैव एक्सटेंडेड द साइड, यहाँ पे हमने राइट साइड पे एक्सटेंड किया है, इसमें हमने लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड किया है, इसमें वी आर इंक्रीजिंग ऑन द अपर साइड। ओके कई बार आपके क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ये बना अपर ट्राइंगल एंड दे ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और ये एंगल बता देते हैं कितने 30 डिग्री, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इज इट एन एक्सटीरियर एंगल? यस ओके कैन यू अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन दिस? एक्सटीरियर तो इसलिए है क्योंकि वो एक ट्राइंगल से बाहर है, इट इज फाइन। क्या आप नो बता सकते हो प्रॉपर्टी? नो। व्हाई? बिकॉज ये जो एंगल है वो किसी साइड के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये साइड यहाँ पे ये जगह खाली है, टच नहीं कर रहा ट्राइंगल को, तो टच नहीं कर रहा ना ये एंगल, ना यहां से टच कर रहा है ना यहां से टच कर रहा है, तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे इसमें, प्लीज रिमेम्बर। ओके कोई और प्रॉपर्टी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, धीरे धीरे हम इसको अंदर लेके आएंगे, वर्टिकली अपोजिट और भी हम करेंगे, बट इसको इसमें आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, प्लीज रिमेम्बर। ओके बेटा ऐसे वाले फिगर्स को ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है क्वेश्चंस में, दिस इज नॉट फॉर प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ओके दो लाइंस एक्सटेंड हो रही है दैट इज फाइन, बट वो आपस में एक दूसरे को काट रही है दोनों की दोनों। आपने हर एक ट्राइंगल में देखा यहां पे कि जो भी एक्सटीरियर एंगल था वो ट्राइंगल को टच कर रहा है, दिस एंगल 3x 3 ट्राइंगल की साइड को टच कर रहे हैं तीनों की तीनों, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके बेटा मॉड्यूल मिल गया सबको? कैन यस डू फर्स्ट क्वेश्चन देन?
ओके एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फिगर। फिगर आपकी नोटबुक में भी बननी चाहिए सो दैट यू कैन राइट विद द पेंसिल। जो जो आपको जरूरत है, सिर्फ फिगर को देखते नहीं रहना। कई बच्चे सिर्फ फिगर को देखते रहते हैं, इट वेस्ट देयर टाइम और फिर भी वो आंसर गलत हो जाता। ड्रॉ योर ओन फिगर, आपको पता चलना चाहिए कौन सा एंगल कहाँ पे है और इसका बाकी से के साथ क्या रिलेशन है। दिस इज वाई, राइट, दिस इज गिवन एंड दिस इज योर एक्स। आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। दिस इज 45, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ओके केयरफुली नोट करो, क्योंकि अगर एंगल नोट कर दिए तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एक्स। आप ध्यान से देखो, एक्स यहाँ पे है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे साइन भी बना सकते हो एक्स के साथ। ओके एंड प्लीज सी एट वाई। वाई जो है सिर्फ बाहर वाला एंगल है। लुक एट द फिगर केयरफुली, कैन यू अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी विद वाई। वाई पोजीशन ठीक है, वो जज कर लो उसको। यस पोजिशन इज फाइन बिकॉज आपको दिख रहा है कि सी पार्ट टच कर रहे हो। सी पर कई बच्चों ने निकाल ली है। ओके एवरीबडी विल डू, सारे करेंगे। सिर्फ आंसर नहीं टिक मार करना, आपने सॉल्व करना है इसको। आपने क्लास में भी किए हुए हैं। थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं उनको यूज करो। और ध्यान से देखो कि एक पूरे ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। केयरफुली पूरी फिगर को देखो। सी ऑप्शन सी ऑप्शन इन्होंने कर लिया। दिस इज फाइन, वेरी गुड। यू नो यू कैन मार्क इट हियर वन इफ यू वॉन्ट। इसको वन मार्क कर लो। जिन बच्चों ने नहीं किया, आई एम टेलिंग फॉर दोस्त कि एंगल 1 + 30 डिग्री + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री छोटे वाले ट्राइंगल में। एंड यू नो यहाँ पे नीचे कोई नेम नहीं लिखा हुआ, अगर आपको खुद लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो डी। एग्जाम में भी मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, आपका बीच भी पॉइंट कोई मिसिंग है और आप उसको मेंशन करना चाहते हो तो खुद लिख लो इसको, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपको मेंशन करना है, आप ये बता रहे हो कि इन ट्राइंगल ए बी डी, आपने ए बी डी ट्राइंगल को देखा और आप बता रहे हो कि तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, रीजन विदाउट रीजन कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, आई हैव सीन काफी बच्चे ना प्रॉपर्टी मतलब ये रीजन लिखते नहीं है। यू नो दे से कि अरे ये तो पता ही है, लिखना क्या है। इसके भी आपका हाफ मार्क होता है। अगर आप रीजन बताओगे, रीजन के साथ कोई स्टेप करते हो, इट गिव्स यू हाफ मार्क फॉर द रीजन, ताकि आपको पता चले हमने क्यों स्टेप किया है। ये तो बहुत छोटा सा है ना एंगल सम प्रॉपर्टी, आप सोचोगे कि 6th में भी किया था। ऐसे ऐसे बहुत रीजन आपने, हर एक स्टेप पे आपके अलग अलग रीजन आपने। ओके बेटा यू हैव टू मेंशन इट एवरीवेयर। तो आपका ये हो गया। तो अब आपके पास एंगल 1 = 90 डिग्री आ गया, काफी बच्चों ने कर लिया। जब इसको सॉल्व करोगे 1 = 90 आ गया। 1 = 90 है, इट मीन्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 90 बिकॉज एक्स प्लस 1 = 180। एक्स प्लस 1 = 180। वाई व्हाट शुड आई राइट द रीजन हियर, रीजन क्या बताओ। लीनियर पेयर लीनियर पेयर, यस लीनियर पेयर। विदाउट रीजन हमारा नहीं स्टेप होगा कोई भी।
रीजन लिखने से आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होती है एंड टीचर ऑल्सो कम्स टू नो कि इसको पता है तभी इसने ये स्टेप किया है. ओके एंड एक्स इज इक्वल टू 90, यू नो 1 इज 90 देन एक्स इज ऑल्सो 90. एक एंगल आपके पास आ गया एंड नेक्स्ट इज वाई. वाई के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, 105 डिग्री. y इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. इसका रीजन आप लिखोगे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी. वही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. और यहां से आपके पास y भी आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 105 एंड आपका ऑप्शन आ जाएगी सी 105. ओके सी ऑप्शन है आपके फर्स्ट क्वेश्चन की. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन दिस वन क्वेश्चन टू प्रॉपर्टीज आर यूज्ड, यू नो, ठीक है, और दोनों को यूज करना है आपने. ये नहीं सोचते रहना कि अभी ये छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो अभी ये छोटा ही होगा क्वेश्चन भी. एमसीक्यू कैन कम इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव ऑल्सो, आई टोल्ड यू. ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा, प्लीज रिवाइज दिस ऑल. Gracias.